दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के साथ एक सेफ एंड सिंपल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। और ये ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी आउट द मनी के ऊपर बेस करके मैंने बना रहा हूँ। मैंने खुद उसको टेस्ट किया है, काफी दिनों से देख रहा हूँ। लाइव मार्केट पे कुछ पोजिशन भी मैंने इसके ऊपर लिया है और ये काफी अच्छा काम दे रहा है। तो देखिए, सिंपल वे के साथ हम इस पे काम करेंगे। पहले मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्स पे शेयर करूंगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मैंने जो भी नया वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, हम कैसे ये स्ट्रेटेजी को बनाएंगे और इसके ऊपर कैसे काम करेंगे उसके बारे में डिटेल्स पे स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। मैंने पहले एक चीज आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली समझ जाइए। आप देखिए कितना रिस्क आ रहा है, मैंने कितना स्टॉप लॉस आप लेके जाओगे उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वो रिस्क के हिसाब से अगर आप उतना रिस्क लेके काम कर पाओगे तो अभी दोस्तों आप इस पे एंट्री कीजिएगा, नहीं तो इस पे एंट्री नहीं करना है। क्योंकि अगर आप काफी ज्यादा रिस्क लेके काम करते हो तो आपका जो कैपिटल है, अगर बहुत बड़ा आपकी लॉस मिलेगा तो कैपिटल बहुत जल्दी खाली हो जाता है। लेकिन अगर आप एक सेफ सिंपल वे के साथ छोटा रिस्क लेके हर दिन एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट के ऊपर फोकस करके जाओगे तो अभी आप इसके ऊपर एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाओगे। तो चलिए, हम इस स्ट्रैटेजी पे कैसे काम करेंगे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। इस पे देखिए, मैंने इसको एक्सपायरी स्पेसिफिक वे पे बनाया है। एक्सपायरी स्पेसिफिक मतलब हमारा जैसे मंडे हो गया बैंकेक्स का एक्सपायरी, ट्यूसडे फिन निफ्टी का एक्सपायरी, वेडनेसडे आज जैसे था हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, और कल है थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी और फ्राइडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो अभी हमको 5 दिन पे 5 एक्सपायरी मिल जाता है। तो ये एक्सपायरी पे क्या होता है, अगर आप थोड़ा प्रॉपरली मार्केट को मैनेज करके मार्केट कितना मोमेंटम देगा उसके हिसाब से अगर आप पोजिशन बनाते हो तो एक्सपायरी पे जो आउट द मनी होता है वो 0 हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप प्रॉपर कैलकुलेट कर पाते हो कि मार्केट कितना मोमेंट देता है, मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट किसी रेंज के अंदर रहेगा एक ओवरऑली पता चल जाता है, तो उसके हिसाब से फिर हम आउट द मनी को सिलेक्ट करके काम करते हैं। तो उसके हिसाब से हम आउट द मनी जब सिलेक्ट करेंगे वो 0 ही होने वाला है। तो इसलिए हमको इस पे जो सक्सेस रेशियो रहेगा 70-80% से ज्यादा सक्सेस रेशियो इस पे रहेगा। तो ऑल्दो अभी तक अगर आप देखोगे वो 90% 100% के आसपास सक्सेस रेशियो इसका आ रहा है, लेकिन आप ये एक ऑन एंड एवरेज मान के चलो, इस पे 70% प्लस आपको सक्सेस रेशियो मिलने वाला है। तो चलिए डिटेल्स पे स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। पहले तो हमको पता चल गया कि हम इस पे एक्सपायरी स्पेसिफिक काम करने वाले हैं। सेकेंड चीज ये है कि किसी टाइम पे हमको इस पे एंट्री करना है। हमको इस पे जो पोजीशन बनाना है 9:20 के आसपास हमको इस पे पोजीशन लेके जाना है। तो 9:20 के आसपास हम स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करेंगे, मैंने आज एक का एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ। आप इसको कल निफ्टी के ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हो। मैं निफ्टी के ऊपर भी जो भी आ रहा है रिजल्ट उसका भी आप मुझे पूछोगे तो कॉमेंट सेक्शन पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आज कैसे काम हुआ था एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, तो उसके बाद आप फिर इस पे प्रॉपरली काम कर पाओगे। देखो, इस पे काम करने के लिए टाइमिंग फिक्स है। देखिए, हमको जो एंट्री करना है 9:20 के आसपास हम इस पे एंट्री करेंगे। पहला हमारा एक तो टारगेट आ जाने के बाद हम एग्जिट करेंगे, सेकेंड पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद एग्जिट करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा कैसे ट्रिगर होगा, किसी लेवल के आसपास कैसे स्टॉप लॉस लेके जा रहे हैं, इस पे देखो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा कैपिटल के हिसाब से हम इसे मैनुअली हम स्टॉप लॉस लगा के नहीं जा रहे, क्योंकि फार ओटीएम ऑप्शन है वो उतना जल्दी इंक्रीज नहीं होता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, हमारा जो टोटल कैपिटल है कैपिटल का मैक्सिमम 2% के आसपास अगर हमको रिस्क मिलता है तो हम ये पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। क्योंकि जनरली हमको जब प्रॉफिट मिल रहा है ज्यादातर टाइम 1% से 2% रेंज के अंदर हमको प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसीलिए अगर हमको इस पे एग्जिट करना है तो 2% के आसपास मैक्सिमम हम लॉस सेट करेंगे। तो हमको कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ओटीएम के ऊपर अगर जो प्रीमियम है अगर प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है और ओवरऑल अगर हमको 2% के आसपास रिस्क दिखता है तो हम ये पोजिशन को एग्जिट कर देंगे। तो अभी हमको ये जानना है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके हमको इसके ऊपर काम करना है।
तो देखो स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट करना है, हम क्या करेंगे, बोथ कॉल एंड पुट बोथ साइड हमको सेल करना है। तो ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए हम 920 के आसपास, 918-19 के आसपास जो भी प्राइस चल रहा है वो प्राइस को हमको पहले देखना है। तो ये देखो 920 के आसपास अगर आप देखोगे, ये आज का कैंडल है, 915 से 920 का कैंडल है। मैंने 5 मिनट कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे ओपन करके रखा है और आज का एक्सपायरी था निफ्टी बैंक, इसलिए मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे देखो जो क्लोजिंग हुआ है 51,700 लेवल के आसपास, इस पे हमको क्लोजिंग देखने के लिए मिल रहा है। तो 51,700 लेवल के आसपास इसका क्लोजिंग हो रहा है, मतलब हमको क्या करना है, ये 51,700 स्ट्राइक प्राइस को पहले ओपन करके चेक करना है कि क्या प्रीमियम इस पे चल रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक बार, ये देखो यहाँ पे 51,700 का कॉल और 51,700 पुट, ये दोनों का चार्ट अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या इस पे प्रीमियम चल रहा था। ये देखो आज तो एक्सपायरी हो चुका है, प्रीमियम बोथ साइड, कोई एक साइड जीरो हो गया होगा, कोई एक साइड ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे पुट साइड पे जो प्रीमियम है, पुट साइड प्रीमियम देखो यहाँ पे क्लोजिंग तो दिया है 383 लेवल के आसपास, और ये कॉल साइड का प्रीमियम देखो जीरो हो गया है, ठीक है। लेकिन हमको ये पोजीशन को, ये प्रीमियम को नहीं देखना है, हमको देखना है 920 पे ये प्रीमियम क्या था, 920 के आसपास। तो देखो वो जानने के लिए मैंने ये चार्ट को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, कॉल साइड पे चार्ट को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे जब मैंने ये चार्ट के ऊपर होवर करूंगा तो ये ऊपर उसका प्राइस दिखाएगा, ठीक है। तो ये कॉल साइड पे देखो मैंने जब होवर कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है 204 के आसपास दिखा रहा है, 204 के आसपास। तो ये राउंड फिगर आप ले लो कि 200 के आसपास ये प्रीमियम 920 के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। और ये पुट साइड पे जो प्रीमियम है, पुट साइड पे देखो यहाँ पे अगर होवर करूंगा तो ये 215 लेवल के आसपास दिखा रहा है। तो ये भी अराउंड 200 के आसपास दिखा रहा है, 200-215 के आसपास। हमको क्या करना है, ये दोनों प्रीमियम को ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद कितना हमको मिलेगा, 415 के आसपास रॉफली हमको इस पे प्रीमियम मिल गया। तो दोनों साइड हम ऐड कर लिए, दोनों साइड ऐड कर देने के बाद हमको अराउंड 400-415 के आसपास प्रीमियम इस पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये प्रीमियम को लेके, ये टोटल जो प्रीमियम हमको मिला, ये टोटल प्रीमियम के हिसाब से हम जो सेल करने वाले हैं ओटीएम वो डिसाइड करेंगे। तो अभी ये जो भी प्रीमियम है इस पे हमको 2 मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2 अगर हम करेंगे तो ये जनरली इस पे जो प्रीमियम आ रहा है 800 के आसपास, 830 के आसपास प्रीमियम हमको मिलेगा, क्योंकि 415 इंटू 2 करेंगे तो 800-830 के आसपास हमको प्रीमियम मिलेगा। तो हमको क्या करना है, मार्केट जिस लेवल के आसपास चल रहा है वो लेवल से 850 या 800 पॉइंट ऊपर का कॉल को हमको लेना है और उसपे 850 पॉइंट नीचे का पुट को हमको लेना है। तो ये दोनों पोजीशन को हमको सेलिंग करके जाना है और इस पे सेल करेंगे। अगर आपको मार्जिन बेनिफिट चाहिए, अगर देखो दोनों पोजीशन अगर हमको सेल करना है, किसी किसी स्ट्राइक प्राइस पहले मैंने आपको बता दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर 51,700 देखेंगे, 51,700 अगर आप देखोगे प्लस 800 या 830 अगर आप करोगे तो ये देखो 52,500 के आसपास आ रहा है। तो पहले मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया 52,500 लेवल के आसपास, ये हो गया हमारा कॉल का जो प्रीमियम हमको मिला सेल करने के लिए। और इस पे 51,700 माइनस 830 अगर करेंगे तो ये 50,800 लेवल के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 50,800 लेवल के आसपास ये हो गया हमारा पुट। तो यहाँ पे सेफ साइड के लिए 50,800 पुट मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ। तो देखो आपको एक चीज यहाँ पे अभी पता चल रहा है कि ऊपर लेवल का हमको कॉल का प्रीमियम मिल गया, पुट साइड पे हमको पुट का जो स्ट्राइक प्राइस है वो मिल गया। तो ये रेंज के अंदर देखो मार्केट क्लोजिंग हुआ है या नहीं, मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, ओपन हुआ था अराउंड 51,600-51,700 के आसपास,
और क्लोजिंग हुआ है 400 लेवल के आसपास। इसके रेंज के अंदर ये ऊपर नीचे हो रहा था। तो चलिए अभी मैंने ये दो स्ट्राइक प्राइस ओपन कर लेता हूं। एक बार यहां पे ये दोनों स्ट्राइक प्राइस आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। 52,500 कॉल के ऊपर और इस पे 50,800 पुट के ऊपर। देखिए ये दोनों स्ट्राइक प्राइस मैंने यहां पे ओपन कर लिया। हमको इस पे जो सेलिंग करने के लिए मिला है ये 24 लेवल के आसपास इस पे सेलिंग करने के लिए मिला है, और ये पुट साइड पे जो सेल करने के लिए मिला है ये 21 लेवल के आसपास। तो एक चीज आपको करना है, ये दोनों अगर हम सेल करने के लिए जाएंगे पहले कितना कैपिटल लगेगा उसके बारे में आपको बता रहा हूं। देखो यहां पे अगर हम सेल करने के लिए जाएंगे, मैंने यहाँ पे ये बास्केट के अंदर आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हम सेल करने के लिए जाएंगे कितना क्या कैपिटल लग रहा है। 52,500 कॉल अगर हम सेल कर रहे हैं, ये देखो ये तो ऐसे ही जीरो हो गया है, लेकिन मैंने एक लॉट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये देखो 86,000 के आसपास दिखा रहा है और 50,800 पुट के ऊपर। देखो ये दोनों को सेल करने में हमको 1 लाख के आसपास लग रहा है, लेकिन हम अभी करेंगे क्या, इससे 1,000 पॉइंट ऊपर का 53,500 जो कॉल रहेगा इसको हम एक लॉट बाय कर लेंगे। ये मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने बोल रहा हूँ। और 49,800 पुट जो रहेगा इसको हमको बाइंग करना है। तो देखो अगर आप इसे बाय कर लेते हो ये अराउंड 40-50,000 रेंज के अंदर एक एक लॉट आपको मिल जा रहा है। तो 1 लाख के अंदर आप 2 लॉट के आसपास भी इस पे लेके काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे देखिए अगर हमको मैक्सिमम 2% के आसपास रिस्क मिलेगा तो हम इस पे एग्जिट कर देंगे, नहीं तो ये पोजीशन को होल्ड रखेंगे। लेकिन और एक चीज मैंने इस पे कर रहा हूं, अगर आपको इस पे देखना है कि किसी साइट का प्रीमियम सबसे ज्यादा है, ये कॉल साइट का प्रीमियम सबसे ज्यादा है या पुट साइट का प्रीमियम सबसे ज्यादा है, जिसी साइट का प्रीमियम ज्यादा है आप उसी साइट थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। और जैसे मैंने इसको टेस्ट करने के लिए मैंने 5 लाख के ऊपर इसको टेस्ट कर रहा हूं, तो मैंने क्या कर रहा हूं, मैं जनरली जिसी साइट प्रीमियम ज्यादा होता है वो साइट पे 10 लॉट्स के आसपास ले लेता हूं, और जो साइट प्रीमियम कम होता है वो साइट पे अराउंड 4-6 लॉट ले रहा हूं। तो ऐसे करके मैंने ये पोजीशन को बना रहा हूं। तो अभी तक मैंने उसको जितना टेस्ट किया है वो काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे देखो आज ये जो 50,000 पुट है, 50,800 पुट है, ये लेवल से देखो ये प्रीमियम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। तो इस पे मैंने आपको दिखा रहा हूं मैंने इसको कैसे आज मैनेज किया, ये जो इतना ऊपर की तरफ गया है तो इसको कैसे मैंने मैनेज किया। आप देखो ऐसे सिंपल दोनों को आपको सेल करना है। अगर आपको 2% के आसपास रिस्क मिल रहा है तो आप इसको एग्जिट करोगे, नहीं तो इसको होल्ड रखोगे। ये 70-80% ऑफ द टाइम बोथ साइड प्रीमियम आपको जीरो ही दिखेगा। तो देखो मैंने आज कैसे मैनेज किया है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। ये जो पोजीशन देखो सुबह सुबह जो पोजीशन हम इस पे लिए थे, ये तो मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने ये दोनों को बाय कर लिया था, और इस पे देखो अराउंड 52,400 को मैंने सेल किया था 27 पे, और इस पे 10 लॉट सेल किया था, और 50,800 पुट जो है ये 25 के आसपास मैंने इसको सेल किया था। तो इसमें जो प्रॉब्लम क्या हुआ कि कंटिन्यू जब ये पुट साइड का प्रीमियम ऊपर की तरफ जाने लगा तो ये देखो जो 25 से ये 102 लेवल के आसपास आ गया था, मैंने ये पोजीशन को एग्जिट कर लिया। क्योंकि अगर ये 102 लेवल के आसपास आके पहुंच जा रहा है और मार्केट उसी लेवल के आसपास थोड़ा नीचे अगर आके क्लोजिंग दे देता है तो ये अगर देखोगे तो मेरा जो इस पे जो प्रॉफिट मिलने वाला है इस पे 4,000 के आसपास प्रॉफिट मिलेगा, ये प्रॉफिट इस पे चला जाएगा पूरा। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया और मैंने और 400 पॉइंट नीचे शिफ्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे 102 के आसपास मैंने इसको एग्जिट करके 50,800 को 50,400 पुट को मैंने फिर सेल कर दिया नीचे का। तो इस पे अगर आप देखोगे ये जो लॉस आया था इस पे लॉस मैनेज होके भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे इस पे क्लोजिंग दिया है 54,400। ये तो मार्जिन बेनिफिट के हिसाब से लिया था। ये 50,800 पुट देखो यहाँ पे 4,600 मैंने जो लॉस बुक किया था
ये 50,400 फुट जब सेल किया, इस पे 1,800 के आसपास ये कवर हो गया, और 52,400 कॉल पे 4,000 प्लस इस पे प्रॉफिट बुक किया, तो नेट नेट इस पे मुझे 895 कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने प्रॉफिट पे रहा। लेकिन उसके बाद भी ये 50,800 अगर आप देखोगे ये जीरो ही हुआ है, मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये जीरो ही हुआ है। जनरली उसी रेंज के अंदर ये क्लोजिंग दे देता है, लेकिन फिर भी जब ये थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया था सेफ साइड के लिए मैंने उसको एग्जिट कर दिया था, और उसका थोड़ा ऊपर की तरफ 400 पॉइंट और थोड़ा ऊपर उसको मैंने शिफ्ट कर दिया। ऊपर मतलब ये 50,800 फुट के ऊपर लिया था, तो 50,400 फुट ले लिया, तो ये ऐसे ही मैंने मैनेज किया। तो आप बेसिकली इसको अगर ऐसे छोड़ भी दोगे ज्यादातर टाइम आपको इस पे प्रॉफिट ही मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको रिस्क लेना है 2%, और इस पे जो प्रॉफिट मिल रहा है 1%, 1 to 2% रेंज के अंदर इस पे हमको प्रॉफिट मिल रहा है। एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, आप इसको प्रॉपरली देखिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, अगर कुछ डाउट आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हो, तो ये प्रॉपरली काम दे रहा है और एक डिसेंट इनकम जनरेट करके दे रहा है। मैंने आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये कुछ दिनों से जो वो मैंने इसके ऊपर जो 5 लाख रख के इसके ऊपर जो पोजिशन मैंने ले रहा हूँ, मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ। ये देखो जुलाई से मैंने इस पे थोड़ा स्टार्ट किया है, ये बीच पे आपको 2 दिन लॉस दिखेगा, लेकिन मैंने ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं किया था, एक दूसरे स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा था। ये देखो बाकी जो सारे ग्रीन दिख रहा है, ये सारे ग्रीन जो है इस पे मैंने सेलिंग करके इसी सेम स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके काम कर रहा हूँ, और ये आज का जो प्रॉफिट है, आज का प्रॉफिट इस पे देखो अभी तक नहीं दिखा रहा है, ठीक है, ये 23rd तक दिखा रहा है, तो ये ऑलमोस्ट हर दिन प्रॉफिट दे रहा है, तो आपको एक डिसेंट प्रॉफिट इस पे मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक चीज इस पे डिस्क्लेमर के हिसाब से दे देता हूँ, जो भी रिस्क लेना है आप आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से रिस्क लेके इस पे काम कीजिएगा, मैक्सिमम आपको 2% रिस्क लेना है, उससे ज्यादा रिस्क लेके इस पे काम नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सबके साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि सबके पास ये राइट इंफॉर्मेशन पहुंच जाए।